आपको बता दें कि पिछले दिनों 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर केस की इस घटना के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के शल्य चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी इस दौरान सिविल सर्जन कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएं। साथ ही 17 से 18 तक सिर्फ इमरजेंसी सेवा छोड़कर सभी सेवाएं ठप रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताते हुए कहा कि जिस तरह से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुई एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या जैसी जहन घटना का साक्ष्य मिटाने के लिए उपद्रवियों और गुंडों द्वारा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किया गया, ये घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोलकाता के 3 हॉस्पिटल में और घटना हुई है जिसके विरोध में सेवा संघ झाझा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर पूरे राज्य सहित धनबाद में भी घटना का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में आज हम लोग धनबाद उपायुक्त और एसएसपी को भी लिखित आवेदन देकर कल इमरजेंसी सेवा छोड़कर 17 तारीख से 18 तारीख तक स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवा ठप रखेंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। इमरजेंसी सेवा छोड़कर 17 तारीख से 18 तारीख तक स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवा ठप रखेंगे और कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर चले जाएंगे। सेवा संघ के आह्वान पर एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन झारखंड स्टेट ब्रांच के आह्वान पे संयुक्त रूप से कलकत्ता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी थी के साथ निर्मम हत्या एवं उसके पहले सामूहिक बलात्कार की घटना और साथ साथ उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए लगभग 5000 गुंडे तत्व आकर के पूरे मेडिकल कॉलेज को तहस नहस करके बर्बाद कर दिए हैं और ये कलकत्ता के 3 मेडिकल कॉलेजों में ऐसी घटना हुई है। इसके विरोध में हम लोग धनबाद चैप्टर ऑफ झांसा आज यहाँ धनबाद में इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करने हेतु काला बिल्ला लगाकर सारे चिकित्सक पूरे राज्य सहित धनबाद जिले में भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस घटना का विरोध कर रहे हैं काला बिल्ला लगाकर। साथ साथ इसके बाद हम लोग ये सूचना अभी सर को दिए हैं, साथ साथ अभी डीसी मॉडर्न मैडम को और एसएसपी साहब को भी देंगे कि हम लोग कल 17 तारीख के सुबह 6 बजे से 18 तारीख के सुबह 6 बजे तक लगातार रूटीन वर्क के कार्य बहिष्कार करेंगे तथा इमरजेंसी सेवा जनहित में हमारी ओर से चालू रहेगी। ये आह्वान है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर का, जिसे झारखंड स्टेट ने इसको फॉलो किया है, आईएमए एंड झांसा दोनों हम लोग ये कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह।